आज के न्यूज टॉक में मैं आपके लिए दो बहुत अच्छी खबरें लेकर आई हूँ। पहली न्यूज ये है कि न्यूज टॉक के 100 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और आज न्यूज टॉक का 150th एपिसोड है। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि इंदौर प्रशासन ने इस त्यौहार के मौसम में जनता को राहत देने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई सारे प्रतिबंधों से हमको मुक्ति मिलेगी। तो कौन कौन से प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे और किन चीजों में हमें रियायत मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं न्यूज टॉक पावर्ड बाय रसोमा लेबोरेटरीज। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस त्यौहार के समय हमें किन किन प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले जितनी भी कॉलोनीज हैं या सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर गरबे का आयोजन किया जा सकेगा। वहीं दूसरी चीज़ कि यदि आप गरबे का आयोजन कर रहे हैं जिसमें आप डीजे म्यूज़िक या फिर ढोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे इस्तेमाल करने की अनुमति आपको सिर्फ रात 10 बजे तक ही होगी। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही चालू किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस त्यौहार के समय हमें किन किन प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, ऐसी सभी जगहों पर गरबे का आयोजन किया जा सकेगा। दूसरा, यदि गरबे के आयोजन में आप किसी भी तरह की म्यूज़िक सिस्टम, डीजे या फिर ढोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप सिर्फ रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी के साथ सभी धार्मिक स्थलों पर 50% दर्शनार्थियों के साथ दर्शन की अनुमति होगी। ठीक नवरात्रि की तरह विजयदशमी के मौके पर भी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर रावण दहन की अनुमति भी होगी। वहीं यदि मैं बात करूँ कि इसके सिवा किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध होगा, तो गरबे के लिए जितने भी बड़े और कमर्शियल आयोजन होते हैं उन पर प्रतिबंध होगा। और इसलिए पिछले साल की तरह इस साल भी अभिव्यक्ति, हिंदरक्षक, पंखेड़ा, कनकेश्वरी, लक्ष्य जैसे सभी आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ गणेश चतुर्थी की तरह नवरात्रि में भी निकाली जाने वाली किसी भी तरह के चल समारोह को निकालने की अनुमति नहीं होगी। वहीं यदि अब मैं त्योहारों से हटकर बात करूं तो इंदौर शहर में सभी जिम्स और सभी कोचिंग सेंटर्स को अब 100% कैपेसिटी के साथ काम करने की अनुमति मिल गई है और इसलिए 15 अक्टूबर से सभी जिम्स और सभी कोचिंग सेंटर अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक पावर्ड बाय रसोमा लेबोरेटरीज। Rasoma Laboratories is a trusted brand in pharmaceutical products, producing high quality and life-saving products that customers and patients can easily depend on. So if you're looking for high quality pharmaceutical products that you can easily rely on, then choose Rasoma Laboratories without a second thought. For further details, you can visit www.rasoma.in or can simply call it 255-1210.